अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान अदीब है और आप देख रहे हैं अदीब टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है कि हम अपने फ़ोटो व्यूअर सबसे फास्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको विंडो 10 या विंडो 8 पे मसला आ रहा होगा, आप जब भी कोई तस्वीर ओपन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आपको बताऊंगा और वो डाउनलोड कहाँ से करना है और इंस्टॉल कैसे करना है और उसे सारी तस्वीरों पे अप्लाई कैसे करना है, वो सारा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो तस्वीरें ये पड़ी हैं थंबनेल, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, देखना ये कितना टाइम लेते हैं। ये देखें ब्लैक कलर का हो जाता है और ये बहुत टाइम लेते हैं। जो मैंने ये पहली तस्वीर ओपन की तो इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया। ये देखें हमें चाहिए कि क्लिक करें और उसी टाइम वो ओपन हो। मैं यहाँ पर और तस्वीरें दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं, ये देखें इतनी देर तक ब्लैक रहता है फिर जाके। और अगर कोई बड़ी पिक हो DSLR वगैरह की तो वो कम से कम 30-20 सेकंड ले जाती है। ये देखें इस तरह से ब्लैक होते रहते हैं, लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर एक है जिसको हम क्लिक करते उसी टाइम वो हमें जो है दिखा देता है तस्वीर। तो मैं यहाँ पे अब डाउनलोड कहाँ से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पर लिखना है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपने लिखना है अदीब टेक्नोलॉजी लैब blogspot.com। तो ये लिखने के बाद इसको हम इंटर करते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक वेबसाइट आ गई। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, या फिर आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं सर्च बार में। और यहाँ पे पहला पहला दिया हुआ है डाउनलोड पिकाजा फ्री लेटेस्ट वर्जन। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फिर ऐड ओपन होगी, ऐड को बंद करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे और भी जो आपके काम के होंगे। यहाँ पे पिकाजा इस सॉफ्टवेयर का नाम है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है और ये बहुत ही अच्छा है। ये जो विंडो 10 और विंडो 8 का जो फ़ोटो व्यूअर है उनसे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको अभी इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ और इसको सेट कैसे करते हैं, यानी अगर आप कोई तस्वीर ओपन करते हैं तो उस पर वो फिर वही विंडो वाला ओपन होता है, इसको वहाँ पे सेट भी करके दिखाऊंगा। तो बहुत सारे लोगों को ये भी मसला होता है कि ये सेट नहीं हो रहा परमानेंटली। यहाँ पे ऐड आएगी, ऐड को हम यहाँ पे स्किप करेंगे। और यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक और वेबसाइट है, मैंने ये इसलिए अटैच की है इसके साथ क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन जो है ये अपलोड करते रहते हैं। तो अगर मैं अपने वेबसाइट पे अपना सॉफ्टवेयर अपलोड करता तो वो लेटेस्ट वर्जन में नहीं आता। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सेव और यहाँ पे चेक करते हैं जाके डाउनलोड। ये डाउनलोड आ गया हमारा और ये अभी डाउनलोड हो रहा है, ये आप देख, ये हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। तो इसको हम करते हैं ओपन और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, रन और यस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसे आई एग्री पे क्लिक करते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं। ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे वो, यहाँ पे आपने सारे जो है टिक ख़त्म कर देने हैं और यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट डेस्कटॉप ये भी आप ख़त्म ही कर दें, सारे टिक ख़त्म करने और उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने सबसे पहले करना क्या है कि आपने जाना है अपने कंप्यूटर विंडो 10 या विंडो 8 की जो सेटिंग है, यहाँ पे सेटिंग में जाना है आपने। मेरे पास विंडो 10 है और उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे ऐप्स में। ऐप्स में जाने के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला,
ये वाला, आपने इस पे क्लिक करना है डिफॉल्ट ऐप्स पे, और यहाँ पे हमने ढूंढना है फोटो व्यूवर। तो ये यहाँ पे फोटो व्यूवर हमारा विंडो वाला लगा हुआ है, तो हमने इसको चेंज करना है। तो इस पे हम क्लिक करते हैं और इधर हमारे पास ये फ़ोटो जिस जिस चीज़ पे दिखाई देगी, इन इन चीज़ों पे हमारी फ़ोटो दिखाई दे जा सकती है, लेकिन हमने जो अभी इंस्टॉल किया पिकाजा, हमने इसको सिलेक्ट कर देना है। तो इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे, हमारे कंप्यूटर में जितनी भी तस्वीरें पड़ी है ये सारी की सारी इस पे फिक्स हो जाएंगी, यानी हम जब भी कोई तस्वीर ओपन करेंगे तो ये डायरेक्टली इस सॉफ्टवेयर पे ओपन होगी। तो अब हम इसे बंद करते हैं और अब तस्वीरें कोई ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे DSLR के ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें वो ब्लैक कलर का नहीं आ रहा, लोडिंग नहीं ले रहा बहुत ही स्पीड में, यानी ये बहुत अच्छा है। मैं भी शुरू से ये यूज़ कर रहा हूँ, और ये दूसरे विंडो 10 और 8 के जो फ़ोटो व्यूवर हैं उनसे तो बहुत ही अच्छा है ये। आप कोई भी बड़ी से बड़ी तस्वीर, छोटी तस्वीर, कोई भी तस्वीर डबल क्लिक करेंगे उसी टाइम ओपन हो जाएगी, ये एरर भी नहीं कोई देगा। और विंडो 10 जो है कभी कभी उसका फ़ोटो व्यूअर जो है एरर दे जाता है, वो कहता है इस तस्वीर को ओपन ही नहीं कर सकता, इस तरह से कुछ एरर आ जाता है। तो इसीलिए इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो इसके ज़रिए आप कोई भी तस्वीर को बहुत ही जल्दी में देख सकते हैं। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।